श्री हरिदासीय राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में श्री हरिदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज के सानिध्य में वृंदावन के अभ्यागत संतों एवं गरीब असहाय विधवा माताओं को पानी का मटका और सत्तू प्रसाद का फल वितरित किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी श्री राधा प्रसाद देवजू महाराज ने कहा कि प्रतिवर्ष श्री हरिदासीय राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट द्वारा अक्षय तृतीया से लेकर संपूर्ण ग्रीष्म ऋतु में पानी का मटका और सत्तू प्रसाद का वितरण निरंतर चलता रहता है। इसी श्रृंखला में आज वृंदावन के अनेक स्थानों पर वितरण किया गया है। आचार्य बद्रीश जी महाराज ने कहा कि संत सेवा हमारा धर्म है। इस कोरोना के विपत्ति काल में संतों को ठंडे पानी के लिए मटका और सत्तू प्रसाद देकर बड़ा पुण्य का कार्य किया जा रहा है। महंत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा कि हम हमेशा ही संतों एवं भक्तों की सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार संतों की सेवा की जाती रहेगी। कार्यक्रम में कुंज बिहारी बाबा, राधे श्याम बाबा, राहुल अग्रवाल, मनोहर दास, सूरज मिश्रा, संजीव शर्मा, राजकुमार शर्मा और श्रीदास प्रजापति आदि मौजूद रहे। ये जो गर्मी का मौसम, जो निरंतर गर्मी बढ़ती चली आ रही है, जैसे कल 48 टेम्परेचर था, इस गर्मी को देखते हुए संत लोग फ्रिज का यूज करते नहीं है। संतों को भी शीतल जल की आवश्यकता रहती है, करुआ छोटा होता है, उनके लिए घड़े की आवश्यकता समझते हुए श्री हरिदासीय राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट के द्वारा स्वामी श्री महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजी महाराज एवं महंत श्री मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज की प्रेरणा से विगत लगभग एक महीने से शीतल जल के लिए घट वितरण कार्यक्रम चल रहा है। पहले बंसीवट क्षेत्र में गए थे, वहाँ पर कुटियाओं में जो संत भजन करते हैं उनको घड़ों का, फलों का, सब्जियों का वितरण हुआ था और उसी श्रृंखला में करते करते आज भी घड़ों का वितरण संतों के लिए किया गया, जो संत कुटियाओं में रहकर भजन करते हैं, और साथ में सत्तू और चीनी, कुछ फल, इस प्रकार से संतों की समय समय पर जैसी सेवा होती रहती है, आज भी राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट के द्वारा, श्री हरिदासी राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट के द्वारा ये घड़ों का और सतगुरु का वितरण किया गया।